भारतीय जनता पार्टी वैशाली नगर मंडल की बैठक कुरुद में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से दुर्ग सांसद विजय बघेल, वैशाली नगर विधायक विद्या रतन भसीन और भाजपा भिलाई जिला अध्यक्ष ब्रजेश बिचपुरिया उपस्थित हुए और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भाजपा भिलाई जिला अध्यक्ष बनने के बाद से ही ब्रजेश बिचपुरिया द्वारा भिलाई क्षेत्र का दौरा कर कार्यकर्ताओं मंडल अध्यक्षों से मुलाकात की जा रही है, साथ ही प्रदेश सरकार की नीतियों का विरोध किया जा रहा है। बैठकों के इस क्रम में वैशाली नगर मंडल की बैठक कुरुद में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य रूप से दुर्ग जिले के सांसद विजय बघेल, वैशाली नगर विधायक विद्या रतन भसीन और जिला अध्यक्ष ब्रजेश बिचपुरिया शामिल हुए। अतिथियों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशियों को जीत दिलाने कार्य योजना तैयार की गई। बैठक की जानकारी भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष ब्रजेश बिचपुरिया ने दी। अभी भारतीय जनता पार्टी ने दायित्व दिया है अध्यक्ष पद का, तो उसके हिसाब से मैं सारे मंडलों में संगठनात्मक और परिचयात्मक बैठक ले रहा हूँ। मेरा ये नौवां मंडल था अभी, जहाँ मैंने वैशाली नगर मंडल की बैठक ली। अब दसवां मंडल, आखिरी मंडल जामुल, जहाँ 5 बजे जाऊँगा मैं। और इस सबके पीछे केवल यही है, कार्यकर्ताओं के अंदर को उत्साह को बढ़ाना, और सारे कार्यकर्ताओं में भारी उमंग है, उत्साह है और कुछ करने की इच्छा है। और आज हमारे सामने 2023 की चुनौती है और कार्यकर्ता सारे के सारे उसमें कंधे से कंधा मिला के साथ चलने को तैयार है। क्योंकि आपके द्वारा लगातार मंडल अध्यक्षों से मुलाकात के उपरांत अब देखा जा रहा है कि सभी भिलाई शहर में सभी मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ता पदाधिकारी जो हैं सक्रिय नज़र आ रहे हैं, तो आपको कहीं लगता है कि कुछ बदलने की ज़रूरत भी पड़ सकती है आने वाले समय में? देखिए, अभी तो मैं सारे मंडलों में घूम रहा हूँ और सबका सहयोग मिल रहा है, और ऐसा महसूस हुआ कि अगर कहीं से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, कुछ लोग काम करने को तैयार नहीं है या काम अपनी सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं, निष्क्रियता है, तो ऐसे विषय में फिर चर्चा करके लोगों से, और अगर जरूरत पड़ी तो बदलना पड़ेगा तो बदले। बहरहाल भाजपा अध्यक्ष के निरंतर दौरे से कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। वहीं निष्क्रिय पदाधिकारियों को भाजपा अध्यक्ष ने हटाने की बातें भी कही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन अभिषेक के साथ संजय दुबे।